प्रिय मित्रों, आज हम नरक का वर्णन करते हैं जो श्री मद्भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि नरक क्या है। राजा ने कहा कि हे महर्षि, लोगों का वैचित्र क्यों है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि कर्ता के त्रिगुणात्मक होने के कारण श्रद्धा के अनुसार कर्म की गतियां तीन प्रकार की है, जो सभी को तारतम्य से होती है। श्रद्धा के वैचित्र से कर्म फल भी विभिन्न प्रकार का होता है, जो निषेध के विषय अधर्म करने वाले को प्राप्त होता है, और इस प्रकार अनादि विद्या से किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप नरक भी हजारों प्राप्त होते हैं, जिनका मैं विस्तृत वर्णन करता हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या नरक भी कोई देश विदेश है, या त्रिलोकी के बाहर की कोई जगह है, या अंतराल में कोई स्थान है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि त्रिलोकी के अंतराल में ही दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे भाग में गर्म जल के ऊपर में नरक है। उसी दिशा में अग्निश बातादि पितृगण अपने वंशजों को भला चाहते हुए एकाग्रचित से भगवान का ध्यान करते हैं। उसी दिशा में भगवान पितृराज वैवस्त प्राणियों के मरने के बाद जब उनके दूत अपने देश में लाते हैं, तब कृत निषिद्ध कर्म के अनुसार भगवान के शासन का उल्लंघन न करते हुए अपने गणों सहित यातना रूप दंड देते हैं, और इस प्रकार कोई नरकों को 21 गति कहते हैं। हे राजन, रूप और लक्षणों सहित मैं उनका नाम बताता हूँ। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकुप, कृमिभोज, संदंस, तप्त सुरमी, ब्रजकंटक, शालमली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारम्यादन, अवीची, अयहपान, ये 21 और मतांतर से क्षारकन, रक्षोगन, भोजन, शूलप्रोत, दंदसुख, अवट निरोध, प्रयावर्तन, सूचिमुख, ये 28 नरक विविध यातनाओं के स्थान है। जो दूसरे के द्रव्य वित्या स्त्री का अपहरण करता है, उसको अति भयानक यम पुरुष काल पास में बांधकर बलपूर्वक नरक में गिराते हैं, और खाना पीना बंद कर तारण प्रतारण इत्यादि नानाविध यातनाओं से पीड़ित करते हैं। जिस नरक में सहसा गिरते ही मूर्छा आ जाती है, वह तामिस्त्र नरक है, और वहां अंधकार ही रहता है। जो दूसरे की वंजना आदि करके स्त्री का उपभोग करते हैं, वे अंध तामिस्त्र से गिराए जाते हैं, जहाँ गिरने से यातनाओं में पड़े हुए प्राणी का वेदना के मारे ज्ञान ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे काटे जा रहे मूल वाले वनस्पति का, इसलिए वह अंध तामिस्त्र कहा जाता है। जो शरीर और धन पर मैं मेरा इस अभिमान से लोगों का द्रोह करके केवल अपने कुटुंब का ही पोषण करता है, वह उन वस्तुओं को यही छोड़कर अपने उस पाप से रौरव में पड़ता है। जिन वस्तुओं को यहाँ जीते जी जिसके द्वारा जिस प्रकार की हिंसा हुई रहती है, वे जंतु यम यातन में प्राप्त उनको रुरु होकर उसी प्रकार की पीड़ा देते हैं, अतः उस नरक को रौरव कहते हैं। रुरु यह सर्प से भी क्रूर जंतु का नाम है। इसी प्रकार जहां पड़े हुए मनुष्य को क्रव्यादि नाम के रुरु केवल अपना देह भरण करने वाले को मांस के लिए मारते हैं, वहां महारौरव है, तथा इस लोक में जो उग्र मनुष्य पशु या पक्षियों को जान से मारता है, उस निर्दयी पुरुष को मांस भोजियों से भी निंदित उस लोक में यमानुचर कुंभीपाक नरक में गरम तेल में पकाते हैं, और जो यहाँ पिता ब्राह्मण और देवता से द्रोह करता है, वह कालसूत्र नामक नरक में तांबे के 10,000 योजन गोल में बैठाया जाता है। वह नीचे अग्नि से और ऊपर सूर्य से तप्त होता रहता है, और भूख प्यास से उसका शरीर भीतर तथा बाहर से जलता रहता है। वहाँ वह प्राणी कभी बैठता, कभी सोता, कभी चेष्टा करता, कभी खड़ा रहता और कभी दौड़ता है। जितने उस पशु के रोम होंगे उतने 1,000 वर्षों तक वह वहाँ रहता है।
जो आपत्ति न आने पर भी अपने वेद मार्ग से दूर चला जाता है वह पाखंडों का आश्रयन करता है, उसको जमदूत असीपत्र वन में ले जाकर कोरों से मारते हैं। जब वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब तालवन के तलवार के समान पत्तों से दोनों ओर से छीन होकर हा मैं मर गया मर गया, वे चिल्लाते हुए पग पग पर मूर्छित होता तथा तब वह स्वधर्म त्यागी अपने पूर्व पाखंड अनुसरण का फल भोगता है। जो राजा या राजपुरुष निरपराधी को दंड देते हैं या ब्राह्मण शरीर दंड देते हैं तो वहाँ शूकर मुख नरक में गिरते हैं, जैसे यहाँ ईख को निचोड़ते हैं वैसे ही वहाँ वह बलवान जमदूतों द्वारा निचोड़ा जाता है। तब वह आर्त स्वर करता है, कभी ऐसे मूर्छित होता है, यहाँ भगवान ने रक्त पान आदि से ही जिनकी जीविका लगा दी है, ऐसे दूसरों की पीड़ा न जानने वाले खटमल आदि को जो स्वयं ईश्वर से वृत्ति पाकर दूसरे का दुख जानकर भी व्यथा देता है, वह परलोक में उसके द्रोह के कारण अंधकूप में पड़ता है। वह वहाँ उन्हीं पशु मृग पक्षी सर्प आदि मच्छर जूका खटमल मक्खी आदि जंतु से जिसके साथ द्रोह किया है सभी तरफ से पीड़ित होकर निद्रा और शांति सुख न पाकर बैठ भी नहीं पाता है, केवल घूमता रहता है। जैसे क्योनी में जीव घूमता है, उसे कहीं अस्थाई जगह नहीं मिलती, और जो यहाँ पर किसी को न देते हुए पंच यज्ञ न करके जो मिल जाए वही खा लेता है, वह कौवा है। वह यमलोक में कृमि भोजन नामक नरक धाम में पड़ता है, वहाँ वह 100,000 योजन के अग्नि कुंड में कृमि होकर गिरता है। कीड़े ही उसको खाने पड़ते हैं और उसको कीड़े खाते हैं। इस तरह अकेले खाने वाला उसका प्रायश्चित न करने से भोगता है। हे राजन, जो यहाँ आपत्ति न रहते हुए भी ब्राह्मण या अन्य किसी का सोना रत्नों का अपहरण करता है उसको वहाँ यमदूत तपे हुए लोहे के चिमटों से बेचते हैं। जो पुरुष यहाँ अगम स्त्री के पास जाते हैं या स्त्री अगम पुरुष के पास जाती है वहाँ यमदूत कोरों से मारकर तपे हुए पुरुष स्त्री की प्रतिमा का आलिंगन कराते हैं। जो यहाँ विचार न करके सभी के साथ गमन करता है उसको वहाँ यमदूत ब्रजकंटकों से युक्त शालमली वृक्ष पर चढ़ाकर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष पाखंडी होकर भी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं वे मरकर बैतरणी नदी में पड़ते हैं। नरकों के खंडक के समान उन्हें नदी में इधर उधर जलचर प्राणी खाते हैं, फिर भी जीवित रहते हैं, किंतु अपने पाप से कर्म का परिणाम जानते हुए विष्ठा मूत्र पीप रक्त केश नख अस्थि चर्बी मांस वसा जिसमें बहते हैं उसी में पड़े रहते हैं। जो यहाँ वृषलीपति निर्लज होकर शौचाचार आदि नियम नहीं पालते और पशु के समान रहते हैं वे भी मरकर पीप विष्ठा मूत्र नाना कृत्य आदि मलों से पूर्ण समुद्र में गिरते हैं और उन्हीं अति विभत्स पदार्थों को खाते हैं। जो ब्राह्मणादि कुत्ते गधे पालकर निहित कर्म छोड़कर भी हिंसा करते हैं मृगया करते हैं वे यमलोक में नरक में गिरते हैं, वहाँ उनका लक्ष्य बनाकर यमदूत अपने बाणों से मारते हैं। यहाँ जो दाम्भिक लोग केवल दंभमय यज्ञ करके पशुओं को मारते हैं उनको वहाँ वैशस नरक में गिराकर यातना देकर नरकों के स्वामी चीरते हैं। जो द्विज यहाँ स्वकीय या भार्या के सिवा अन्यत्र वृजपात करता है उस कामी पापी को रेत कुल्ला में गिराकर वही रेत पिलाया जाता है। यहाँ जो लुटेरे आग लगाकर या विष देकर ग्रामों को या काफिलों को लूट लेते हैं ऐसे राजा या सिपाहियों को वज्र के समान दंष्ट्रा वाले जमदूत के 720 कुत्ते एकदम खाते हैं। जो यहाँ साक्षी में लेन देन या दान में झूठ बोलता है उसको मरने के बाद अबीचीमान नरक मिलता है, वहाँ 100 योजन पहाड़ की चोटी से अत्यंत नीचे सिर करके वह गिराया जाता है, जहाँ पत्थर की भूमि जल जैसी दिखती है और उस प्रकार गिराने पर वह तिल की नाई टुकड़े टुकड़े हो जाता है किंतु मरता नहीं। इसी प्रकार वह बार बार ऊपर चढ़ाकर पटका जाता है और जो यहाँ सोम पीने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य या उसकी स्त्री व्रत में स्थित हुए भी सुरा पीती है उसको यमदूत नरक में ले जाकर उनके ऊपर पैर रखकर उनके मुख में बर्वस अग्नि से गले हुए लौह द्रव डाल देते हैं तथा जो यहाँ अपने को ही बड़ा समझकर स्वयं अधम होते हुए भी जन्म तप विद्या वर्ण आश्रम और आचार इत्यादि से
उक्त बड़े को भी बहुत तो नहीं देता, वह मरकर चार कदम नामक नरक में सिर नीचा करके गिरा दिया जाता है और वह भीषण यातनाएं पाता है। जो पुरुष यहाँ पुरुष मेध करते हैं या स्त्री पुरुष पशु को खाते हैं, उसको वही पशु यम सदन में राक्षस बनकर सैनिक के समान इनके शरीर को चिमटे से तोड़कर उसका रक्त पीते हुए आनंदित होकर वैसा ही नाचते और गाते हैं जैसे वह पुरुष यहाँ भोजन करते हैं। जो यहाँ किसी भी निरपराधी को गांव या आरण में विश्वास के उपाय से विश्वास कराकर उसकी जीने की राह पर भी केवल खेल में सूल पर चढ़ाकर या फांसी देकर पीड़ा देते हैं, वे भी मरकर सूल या फांसी पर चढ़ाए जाकर भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं और तीक्ष्ण चोच वाले कंक बटकादि पक्षियों से चोट खाकर अपने पाप का स्मरण करते हैं, तथा जो यहाँ सर्प स्वभाव वाले होते हैं वे मरने के पश्चात दंडसुक नामक नरक में गिरते हैं। वहाँ 5 मुख वाले 7 मुख वाले सर्प आकर जैसे चूहों को खाते हैं वैसे ही उन्हें खाते हैं। जो इस श्लोक में प्राणियों को बांध कर या कोठे में अथवा गुट में बंद करके रखते हैं उनको वहाँ उसी में बंद करके विषैले धुएं से सेकते हैं। जो गृहस्थ यहाँ अतिथि अभ्यागतों को बार बार मानो जला डालेगा इस तरह क्रोध कर पापी निगाहों से देखता है, उनकी आंखों नरक में वज्र के समान चोंच वाले गृह जबरदस्ती में उसकर निकालते हैं। जो यहाँ खुद को आढ़ समझता हुआ सदा टेढ़ी नजर से देखता है, सभी से संकित रहता है, अर्थ व्यय नाश की चिंता से हृदय बदन सूखा हुआ रहता है और शांति को न पाकर पिशाच के समान केवल पैसे की रक्षा करता रहता है, वह मरकर उस पैसे के उत्पादन वर्धन रक्षण के पाप से सूची मुख नरक में पड़ता है, जहाँ इस वित्त ग्रह पाप पुरुष को यमदूत जुलाहों के समान सभी अंगों में सूतों से सीते हैं। इसी तरह के सैकड़ों हजारों नरक यमालय में हैं, उन सब में यहाँ प्रकट या अप्रकट रूप से जो अधर्मानुवर्ती हैं वे ही गिरते हैं और जो धर्मानुवर्ती स्वर्ग में जाते हैं, दोनों के अवशेष में यहाँ पुनर्जन्म पाते हैं। निवृत्ति चरण मार्ग तो पहले ही कह दिया है, यह अंडकोश 14 भागों में पुराणों में वर्णित है। साक्षात महापुरुष नारायण के माया गुण में बृहत्तम रूप का वर्णन जो आदर से पढ़ता या सुनता है वह परमात्मा का जो अग्राह औपनिषदिक रूप है उसको श्रद्धा भक्ति से विशुद्ध बुद्धि होकर जानता है। सूक्ष्म के समान भगवान के स्थूल रूप को भी सुनकर अति स्थूल में स्थित अपने मन को बुद्धि द्वारा धीरे से सूक्ष्म में ले जा सकता है। हे राजन, भूमि द्वीप वर्ष सरित पर्वत आकाश समुद्र नरक ज्योतिर्गण और लोक इनकी रचना मैंने आपसे कह दी है, यह समस्त जीव समूहों का आश्रयभूत परमात्मा का स्थूल शरीर है। तो बोलिए जय श्री।